एक अलग तरह की राजनीति है। एक तरफ विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, जो अब हम अपने हाथों पे गिन सकते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो छोटा और मध्यम वर्ग का जो उद्योगपति है, जो रोजगार बनाने वाला होता है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चले जा रहा है। महंगाई से सब जूझ रहे हैं, सब परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में आज है। एक आंकड़ा है, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, मात्र 21 रोजगार। आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी पद, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए, हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान के लिए माता पिता मेहनत करते हैं, फीस भरने के लिए कोई किसान मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं कि ट्यूशन करें, भर्ती की परीक्षाएं करें, उनकी फीस भरते हैं, और फिर भी सब करने के बावजूद तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं। जब जब मैं सभाओं में जाती हूं, मैं पूछती हूं कि बताइए, आपको रोजगार मिला है, प्रदेश की सरकार ने दिया है, तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि नहीं दिया। एक तरफ खाली पद, दूसरी तरफ बेरोजगारी, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, 1200, 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना, भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही है ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की हैं, और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, कि 18 सालों में इंदौर की कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, कि पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। आप देख रहे हैं कि गांव से पलायन कितना हो रहा है आपकी शहर की तरफ। गांव में जितनी गरीबी है आज, उतनी ही गरीबी आज आप शहर में देख सकते हैं, क्योंकि गरीबी वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, यहाँ आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार मुश्किल से मिलता है, और महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। अब दिवाली का मौसम आ रहा है, मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं त्योहार मनाना चाहती हैं, कोई धनतेरस पे जाएगा, दुकान जाएगा कुछ खरीदने के लिए, दिवाली में लोग घर आएंगे, उनके लिए कुछ परोसने का दिल करेगा। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसको पढ़ना ही छोड़ दिया है मैंने। पहले जब मैं यहाँ मध्य प्रदेश सभाओं में आती थी तो सारा पढ़ती थी, कौन से शिक्षा शिक्षक भर्ती में घोटाला, इधर घोटाला, उधर घोटाला, लंबी तमाम लिस्ट थी। अब मैं पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोटी बात यह है कि इस सरकार का ध्यान सिर्फ घोटालों में रहा है, अपने लिए कमाने में, लूटने में,
और आपकी तरक्की, आपका विकास करने में, आपकी कोई भी सहायता करने में इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि हमारी उम्मीदें भी घट चुकी हैं। मैं जब लोगों से पूछती हूं कि भाई क्या उम्मीद है सरकार से, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, हमारा संघर्ष भरा जीवन है, अगर हमारे जीवन में कुछ सहायता, कुछ मदद मिल जाती, रोजगार मिल जाता, महंगाई थोड़ी कम हो जाती, जैसे गैस सिलेंडर है उसकी वो कम महंगा हो जाता, उससे हमें सुविधा हो जाती, तो लोगों की उम्मीदें भी घट रही हैं, क्योंकि राजनीति का ध्यान किस ओर जा रहा है? ऐसी बातों की ओर जिससे आपकी तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। तो चुनाव के समय जब मैं देखती हूं कि भाजपा के नेता मंच पे आते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की है, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है, तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं, अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है, अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है, कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा, जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं। अब देखिए बार बार कहते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 10 सालों से आपने इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला है, मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। जब लोग गांव से यहाँ शहरों में पलायन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां आपने सुविधा दी नहीं है। तो आप 18 सालों से इस प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, तो अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे पहले कुछ किया ही नहीं, ये छोड़ देते हैं हम बात कि IIT हो, IIM हो, एम्स हो, सब पंडित नेहरू के समय से है, छोड़ देते हैं हम बात, हम कहते हैं चलो मान लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आपसे पहले जितने भी लोग आए वो सब बेकार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी राजनीति करने की हिम्मत कर सकते हैं जो नकारात्मक नहीं और सकारात्मक है? क्या आप मंच पे खड़े होकर आप ये हिम्मत कर सकते हैं कि अतीत की बातों को बंद करें और आज की बात करें कि आपकी सरकार ने क्या किया? क्योंकि जब आप इस बात को उठाते हैं तो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि हमने G20 की बहुत बढ़िया किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है संसद का सुंदरीकरण किया, उसमें भी आपने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर लिए, आपने अपने लिए दो बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ रुपए खर्च लिए। क्या जनता का हक नहीं है कि पूछे कि ये किसके पैसे खर्च रहे हैं,
ये किसकी संपत्ति है जो आप अपने दोस्तों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं, जो कौड़ियों के दाम में आप दे रहे हैं उनको? क्या जनता का हक नहीं है कि आपसे पूछे कि 70 साल की बात छोड़िए, 10 साल की बात बताइए, 10 साल में हम बेरोजगार क्यों हैं? आपने रोजगार क्यों नहीं बनाए? जहां से रोजगार बनते हैं उन कंपनियों को आपने कौड़ियों के दाम में क्यों बेच दिया अपने दोस्तों को? क्या हमें पूछने का हक नहीं है? क्या जनता को ये पूछने का हक नहीं है कि पहले हमें किसानी खेती से हमें रोजगार मिलते थे, हमें ग्रामीण रोजगार मिलता था मनरेगा से, आज आपने उसको ठप कर दिया है। आज किसान इतना परेशान है, पेट्रोल डीजल खाद कुछ नहीं खरीद सकता। क्या किसान को हक नहीं है कि वो पूछे कि वो ट्रैक्टर पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए सरहद पे खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहा है, मेरा बेटा जवान बनता है और मेरे बेटे के लिए तुम ऐसी स्कीम क्यों लाए हो मोदी जी जो 4 सालों में खत्म हो जाती है? मेरा बेटा काम करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है सेना में भर्ती होने के लिए, और आपने उसको 4 सालों के लिए 4 सालों की नौकरी देकर उसको आप घर भेज देंगे? क्या हक नहीं है किसान को पूछने का? क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने का कि हमारे लिए क्या किया? आपकी यहाँ 18 सालों से सरकार थी, पिछली ये सरकार 3.5 सालों से चल रही है। क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने के लिए कि हमें पहले ये पैसे क्यों नहीं दिए जो चुनाव के 2 महीने पहले आप हमारे खातों में डाल रहे हो? क्या हम उस समय गरीब नहीं थे? क्या हम उस समय समाज का बोझ नहीं उठा रहे थे? क्या हम उस समय खेतियों में काम कर नहीं रहे थे? क्या हम उस समय अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे थे? क्या महिलाओं को हक नहीं है ये पूछने के लिए कि जो बिल आप लाए हैं हमारे आरक्षण के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि 33% आरक्षण हमें देंगे, वो बिल 10 साल के लिए आप लागू क्यों नहीं करेंगे? ये हक है और मैं इस हक को या के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके हक आपके हाथों में जाए, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार प्रदेश में बने। मैं चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी, मिडिल क्लास के लिए कोई विजन नहीं, गरीबों के लिए कोई विजन नहीं, आपके लिए कोई सहूलियत सहायता नहीं, और सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। मैं चाहती हूँ कि वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। कैसे जाएगी? कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो करके दिखा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में आज 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है, और ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ये 1.5 साल से चल रहा है। राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गाँव में जो समस्याएं हैं वो गाँव में सुलझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सोचा कि इसे कैसे सुलझाएं, गौठान बनाएं, स्वयं सेवा समूह को उनमें काम दिलवाया, जो गाय थी उसका जो गोबर है उसको खरीदा सरकार ने ताकि वहां मजबूती मिले, मनरेगा को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण रोजगार देने की कोशिश की, ओपीएस को लागू किया। आज सरकारी कर्मचारी का एक ही डिमांड है, कहता है 20 सालों से मैंने काम किया, मैंने देश सेवा की, आप सब यहाँ खड़े हैं, ये देश सेवा ही है, वरना आप यहाँ नहीं खड़े होते एक चुनावी सभा में। आप सब सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 20 सालों के लिए जो सेवा की उसके लिए हम सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं, हमारा जो पेंशन है वो सुरक्षित रहे। हमें ये घबराहट नहीं चाहिए कि हमारे पेंशन को आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, कल को कुछ समस्या उठ गई और हमारी सारी कमाई गवा दी। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? ये सरकार जो कहती है कि आपके लिए चलती है, क्या कहती है? कहती है हमारे पास पैसे नहीं है ओपीएस के लिए। तो अगर पैसे नहीं है तो राजस्थान की सरकार कैसे कर रही है? तो फिर
कर्नाटका की सरकार कैसे कर रही है, हिमाचल की सरकार कैसे कर रही है, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कैसे है, क्योंकि आपके पैसे नहीं है गलत बात है, आपकी प्रायोरिटीज गलत है, आपका ध्यान नहीं है इसमें। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपए आप अडानी जी के माफ कर सकते हैं, तो इस देश के कर्मचारी के ओपीएस क्यों नहीं दे सकते? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पिछले साल जब यूपी का चुनाव था, गन्ने के किसानों का बकाया 15,000 करोड़ था, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने दो चीजें की, अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदे, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के दो हवाई जहाज खरीदे। और दूसरी बात, उन्होंने ये ऐलान किया कि संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और किसान का बकाया, उसके लिए पैसे नहीं है। किसान के बकाए के लिए पैसे नहीं है, जो संसद चला आ रहा है 70 सालों से ठीक ठाक है, मरम्मत करनी है तो करो, लेकिन उस पूरी इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली को की सुंदरीकरण के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए क्या जरूरत थी? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में खूब तरक्की हुई, और ये नहीं था कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, G20 नहीं था, ये सब था, लेकिन गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए सोच थी, एक विजन था कि किस तरह से हम आपको भी मजबूत कर सकते हैं और उद्योगपतियों को भी मजबूत कर सकते हैं। और ये नजरिया नहीं था कि सिर्फ गिने चुने 5 उद्योगपतियों को हम मदद करेंगे और बाकी उद्योगपति जाए भाड़ में, ये नजरिया नहीं था। आज के तमाम छोटे उद्योगपति, मध्यम वर्ग के, जो छोटी छोटी कंपनियां चलाते हैं, जो इंजन है हमारे देश के विकास का, जो दुकानदार हैं, जो छोटी दुकानें हैं, इन सब की मदद सहायता कौन कर रहा है? नोटबंदी की आपने सबको कह दिया कि भाई देशभक्ति दिखाओ अपनी, खड़े हो जाओ लाइन में, सब खड़े हो गए, क्योंकि हमारी देश की जनता, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा एक हिंदुस्तानी नहीं है जिसके दिल में वो बात नहीं बैठती। इसीलिए ये सीख गए कि भाई जब जनता से कुछ निकालना हो, धर्म की बात करो और देशभक्ति की बात करो। आप खड़े हुए लाइन में, नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान किसी अडानी अंबानी का नहीं हुआ, नोटबंदी का नुकसान आपने झेला, इंदौर जैसे शहरों के उद्योगपतियों ने झेला। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना आया, दुनिया भर में कोरोना जब आया तो छोटे छोटे उद्योगपतियों की मदद की, यहां नहीं हुई आपकी सहायता। कोरोना के बाद आप पे GST थोपा गया, और GST से आप अभी भी जूझ रहे हैं, तो क्या कर रही है ये सरकार आपके लिए? मैं पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं, मैं जाती हूँ लोगों के घरों में, पूछती हूँ कि भाई टूटी में से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क तुम्हारी खराब है, तो वोट क्यों दे रहे हो भाई? दीदी धर्म की बात है, दीदी धर्म की बात है, दीदी जाति की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल, आपके जज्बातों का बहुत इस्तेमाल हो गया है। ये वोट जो है ना, सुन लीजिए कान खोल के, ये वोट जो है ना, धर्म की बात नहीं है, ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट इतना कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे, तो 5 साल और वो भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हो। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है, तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ। जो इस मंच पे आकर आपसे इधर उधर की बातें करता है, आपका आपके ध्यान को भटका कर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाओ। अपने विकास के बारे में पूछो, अपने भविष्य के बारे में पूछो। मेरी बहनों, आप पूछो कि आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। लाडली योजना के बारे में बात करते हैं, जहां जिस प्रदेश में हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है, पहले सुरक्षित बनाओ महिलाओं को, फिर बात करो।
और क्या समझ रखा है आपने महिलाओं को कि चुनाव के दो दिन पहले आप कह देंगे कि लीजिए 2000 रुपए आपके खाते में। क्या महिलाएं सोचती नहीं है? क्या महिलाओं को दिख नहीं रहा है कि आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया उनके लिए? सवाल उठाओ, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, जब तक आप जिम्मेदारी और शक्ति अपने हाथों में नहीं लोगे, तब तक आपका प्रदेश इसी तरह की खाई में रहेगा। घोटाले पे घोटाला, और इससे नुकसान किसका होता है? कभी मैं सुनती हूँ लोग कहते हैं ठीक है भाई, सभी ने खाना है, खाने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है? क्या हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि चलिए खाने दीजिए? क्या बात है, आपका पैसा है, आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, इतनी आसानी से मत खाने दीजिए। खड़े हो जाइए, याद दिला दीजिए इनको सबको, सारे नेताओं को, कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी संपत्ति आपको लौटाए, ऐसी स्कीम चाहते हैं जो आपको मजबूत बनाए, क्योंकि बहुत हो गया है। और जैसे मैंने कहा, इसका नुकसान आप झेल रहे हैं, कोई नेता नहीं झेलता। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बड़े बड़े महल हैं। आपने देखा हुआ, अभी एक दो दिन पहले ही एक वीडियो चला है, किसी बड़े नेता, शायद एक कृषि मंत्री हैं देश के, उनके बेटे शायद वही हैं, फोन पे वीडियो पे कुछ कुछ कह रहे हैं, हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं। कोई नेता, नेता का कोई नुकसान नहीं होता, ये नुकसान है तो आपका है। ये अधिकारी जो यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी जो खड़े हैं, गरीब जनता है जो रोज मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये आप ही की संपत्ति लेते हैं। तो अब आप मन बना लीजिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। मैं बार बार कहती हूं कि मेरी बातों पे मत चलिए, जो आप देख रहे हैं अपने अनुभव से, आपने जो देखा है, आपको जैसा लग रहा है कि देखिए हमारी सरकार ने, अगर आपको लगता है कि आपकी तरक्की हुई है, कि अच्छा हो रहा है, तो बेशक दीजिए इनको वोट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम नहीं किया, आपको सिर्फ लूटा है, सिर्फ बहकाया है, सिर्फ झूठे खोखले वादे किए हैं। अभी मैं मंच पे आई थी, किसी ने मुझे गुलदस्ता पकड़ाया, आपने देखा, गुलदस्ते में फूल ही नहीं थे, खाली था। उस तरह का गुलदस्ता बना के आपको दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। चुनाव आता है शुरू, धर्म जाति और घोषणाओं का गुलदस्ता, चुनाव के बाद आपको देखते हैं उसमें फूल ही नहीं है, खाली है, खोखला है। तो अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए नहीं, वोटों को बटोरने के लिए मैं आपके लिए कह रही हूं। हम अगर कुछ गारंटी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, एक आधार है उसका, हमने कर्नाटका में कुछ गारंटी के बारे में बात की, आज वो गारंटी लागू है। पहली कैबिनेट मीटिंग में उनमें से जो 5 गारंटीज थी उनको लागू किया गया। तो मेरी बातों पे मत जाइए, देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं?